नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका नए और फैंटास्टिक वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि अपनी स्क्रीन के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा नवी का प्रवेश पत्र क्या देख रहे होंगे, प्रवेश परीक्षा पत्र सॉल्व पेपर 2024 का आपको पूरा यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले आपका आ जाएगा भाग वन। भाग वन में आपको दिया जाएगा हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर आएगा सबसे पहले यहाँ पे 1 से 15 प्रश्न आएंगे आपके हिंदी में। तो एक दो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि बहुत इजी पेपर आने वाला है। अपादन कारक की विभाकित है। फिर अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न, कार्तिक क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। इस प्रकार के प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय में बचाएंगे। आपको लग रहा होगा बहुत इजी पेपर आने वाला है इस बार। फिर पढ़ते हैं अनुच्छेद, एक बार अनुच्छेद यहाँ पे आने वाला। अनुच्छेद के यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न के उत्तर आपको अनुच्छेद पढ़ के देने हैं। एक अनुच्छेद का प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। ज्योतिबा फूले किसके साथ देश के बारे में चिंतन कर रहे थे। फिर भाग दो में आपका आ जाएगा बच्चों अंग्रेजी का पेपर। अंग्रेजी का प्रश्न पेपर आने वाला है, बहुत ईजी है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे जो डैश मतलब जो जगह दी है, वहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको चूज करके जवाब देने हैं। फिर यहाँ पे आपके आने वाले जैसे कि पैसिव वॉइस आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर यहाँ पे आपको पूरा पैसेज दिया होगा। पैसेज को आपको रीड करने के बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, उनके जवाब आपको लिखने हैं। फिर हम आ जाएंगे भाग तीन में आपको दिया होगा गणित का पेपर। जी बच्चों, गणित का पेपर यहाँ पे बहुत ईजी आने वाला है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल पेपर यहाँ पे आएगा, जैसे कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। फिर आते हैं, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक पेन सेट 20% लाभ पर बेचता है, जो उसे 20% हानि पर बेच देता है। यदि ये पेन सेट का मूल्य 112 था, तो कुल सौदे में क्या लाभ हानि प्रतिशत हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आपके गणित के पेपर में आने वाले, नवोदय विद्यालय के गणित पेपर में आने वाले हैं। फिर भाग चार में आपका हो जाएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान बहुत ईजी है बच्चों। मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। पेनिसिलिन की खोज ने की किसने की थी, आपको यहाँ पे बचाना है बच्चों। फिर इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। कोयला डैश के अवशेषों से बनता है। जो कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप में डैश गैस बनती है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बच्चों नवोदय विद्यालय के प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह कहलाती है। जी बच्चों, तो देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे एक दो प्रश्न हम और जल्दी से पढ़ लेते हैं। लोहे के सटर पर मोबिल तेल घर्षण को डैश डैश के लिए लगाया जाता है। पृथ्वी पर चलते समय हम डैश पर बल लगाते हैं। हरि ने एक विशेष दिन पूर्ण चंद्र देखा, दिन पश्चात वह फिर से पूर्ण चंद्र को देख पाया। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपके प्रश्न। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि आपको यहाँ दिए है उत्तरमाला। जी बच्चों, आंसर्स की आपको दिए क्या दिया है, ANSWER आंसर्स की आपको यहाँ पे दी गई है। पूरे प्रश्न पेपर आप देख लीजिएगा और आप इस बात करेंगे भाई आप इस पेपर के PDF को किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। सबसे पहले तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेन बात, अपने ये जो पेपर है अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। अब अपने बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करोगे। जी बच्चे, इस तरह से आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद नॉर्मली गूगल सबके फ़ोन में होगा ही, इस प्रकार से आप गूगल पहले ओपन कर लीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद ये जो आपको सर्च बटन यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विदेश, इस प्रकार से आपको सर्च करना है। मैं आपको करके बता देती हूँ, STUDYVILLAGE स्टडी विदेश आपको सर्च करना है। इस प्रकार से आपको जो ये पेज दिख रहा होगा, स्टडी विलेज की होम साइट का जो पेज दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे आपका लिखा आएगा 10 फरवरी का कक्षा नवी का नवोदय विद्यालय का पेपर। जी बच्चों, इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, तो आप जाके पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस पेपर को डाउनलोड करिए और बार बार उस पेपर की प्रैक्टिस करिए। और बार बार हमारे ने जो आपके लिए उस पेपर के जो PDF के वीडियो डाले हैं, हर एक प्रश्न को हमने अच्छे से समझाया है विथ सॉल्यूशन
तो पूरा वीडियो भी आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से पूरा पेपर आने वाला है। अब आपको करना क्या है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नवोदय विद्यालय की 10 तारीख को जो परीक्षा आने वाली है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली हो उसके रिकॉर्डिंग, तो हम आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वजह से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।